जी इतनी भूख लग गई आज इनको। ओहो फिर से वंस मोर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो सुबह की बज चुकी है 8:30, तो नाश्ता तैयार करा है मैंने। तो नाश्ते में अभी बस मैंने रोटियां ही बनाई है, तो सब्जी बनाने का आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आज अलग करूँ, मतलब थोड़ा सा अलग करूँ। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सब्जी ना बना के मैं नाश्ते में चटनी बनाऊँ। तो चटनी के लिए मुझे चाहिए होगा पुदीना, तो हमारे घर पे कहीं पे पुदीना तो है नहीं, तो मुझे पहले जाना होगा पुदीना ढूंढने के, जिसके घर पे होगा वहाँ से लेके आऊँगी मैं। तो उसके बाद बनाना है। वैसे तो मुझे अभी आती नहीं है ना, मैंने कभी मम्मी को बनाते हुए देखा है, लेकिन जैसे भी बनेगी, लेकिन मैं आज नाश्ते में वही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं चटनी खाऊँ, मतलब सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो पहले चलती हूँ मैं पुदीना ढूँढने, उसके बाद आके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे बनती है। पहले तो पुदीना मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चटनी नहीं बनाऊँगी, फिर सब्जी ही बनानी होगी मुझे। पर देखते हैं अब होता क्या है। यहाँ पे मिला मुझे इतना सारा पुदीना, क्योंकि घर पे तो है नहीं, इसीलिए मैं मतलब अपने घर के नीचे जो घर है वहाँ पे आई हूँ इसको लेने। आज बनाऊंगी मैं इसकी चटनी। मुझे जितना चाहिए था पुदीना मैंने उतना ले लिया है, शायद ये काफ़ी होगा चटनी के लिए। तो अगर कम पड़े तो फिर आऊंगी, देखते हैं क्या होता है। पहले चलती हूँ मैं घर। मुझे भी पता नहीं है पुदीने में क्या क्या डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने प्याज कट करा है और पुदीना धो के अब देखते हैं आगे बनाने की प्रोसेस क्या होती है। पहले इनको धो के लेके आती हूँ मैं। चटनी बनाऊँगी मैं हाथ से पिस के, मतलब सिलबट्टे में। तो बनाते हैं हम फटाफट, उसके बाद नाश्ता भी करना है। तो देखती हूँ कैसे बनती है मेरी चटनी। शाम की बज चुकी है 5:30, और सो के उठने के बाद देखा तो बारिश का कहर बाहर छाई गया है। और मतलब दिन में हमने मतलब चावल तो बनाए थे, बट मम्मी नहीं खाए और बॉबी भी लेट आया। मतलब बॉबी को भूख लगी है, तो उसने अपने लिए और मेरे लिए खाना बना रहा है। वो फर्स्ट टाइम नहीं बना रहा, जब से मैं आई हूँ तो आज फर्स्ट टाइम बना रहा है। इसने मुझसे बोला था कि मेरे लिए आटा वाटा गूंध ले, बट मैंने ऐसे नहीं करा। तो देखते हैं वो मुझे भी देगा या नहीं देगा, इसका पता नहीं। तो लेके चलती हूँ मैं आपको और दिखाती हूँ उसके बनाई हुई रोटी कैसे बना रहा है वो। और मम्मी भी आई गई है गौशाला से। मम्मी को भी लेके चले चले तेल लोडू रोटी बनाऊँ आज। तो ये है मेरा एकदम, मैंने बोला था ये हमारे घर की छोटी बहू जैसी है, और बहू ये सच में लगी रहती है पूरे दिन भर काम करने पे। और ये बन गए हैं, इसकी रोटी कितनी गोल है देखो मैं अभी। ओ माय गॉड, तो ये बना रहे हैं पराठे और उसमें इन्होंने बनाए लिए है ऑमलेट वाले। ऑमलेट ये नहीं खाता खाने के लिए। तो ये बेटा मुर्गी को कच्ची चबाए और इस टाइम बोला मैं नहीं खाता। तू लगे हैं बेचारे महाशय जी, इतनी भूख लग गई आज इनको। ओहो फिर से वंस मोर। भाई मेरे लिए भी देना एक प्लीज, चटनी बनाई थी मैंने सुबह में, मेरे लिए भी देना प्लीज। देगा सो के उठने के बाद मुंह भी नहीं धोया सीधे, मैंने भी नहीं धोया, और ये भी अभी उठ रहा है। तो ये आते आते ही सीधे यहाँ खाना बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो रात भी होने वाली है, थोड़ा सा और वेट करता तो मम्मी बना लेती कुछ देर में। तो मेरा भाई काफी शर्माता है ब्लॉग में आने के लिए, सच में बोलता है मुझे मत ले। वो भी इस टाइम मैंने जबरदस्ती करी है ताकि इसकी रोटियां फेमस हो जाए दूर दूर तक। ये तो सच में मुझसे भी ज़्यादा गोल रोटी बनाते हैं, मैं तो गोल बनाती भी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा इसको। यस, चटनी नहीं करी तूने मेरी, टेस्ट मैंने कैसे बनाई थी बता तो जरा। बहुत गंदा, अभी टेस्ट नहीं करी, ये पुदीना खाता ही नहीं है, ये बहुत ही वो है, क्या बोलते गढ़ वाली लैंग्वेज में उसको, छिड़ुका टाइप का छिड़का बोले तो इसको कुछ पसंद नहीं है। मम्मी ने आज लौकी बनाई थी, इस वजह से इसने खाना नहीं खाया दिन का। तो ये ऐसा ही है, इसको बस आलू और बड़ी चाहिए, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं चाहिए। बड़ी नहीं चाहिए तुझे, इसको बस आलू और बड़ी ही चाहिए और कोई सब्जी नहीं चाहिए। और जिस दिन कुछ और बना लिया खाना नहीं खाता है बेचारा। हाँ आलू चने भी खाता है और थोड़ा बहुत अंडे भी खा ही लेता है नहीं मसानी।
पर ऐसे पुदीना लहसुन प्याज खाता है, पर इन दोनों चीज़ों को भी नहीं खाता। इसने अभी तक मेरी चटनी टेस्ट भी नहीं करी। करके बताना आप अभी। मुझे भी देगा एक पराठा, मुझे भी देगा एक देना बॉबी। तो मैं कितनी रिक्वेस्ट कर रही इससे, देगा तो मुझे। तो पराठे बन के तैयार हो गए हैं और इस टाइम मैंने ली है चटनी। तेरी भी बनाऊं? तो मैं इस टाइम चटनी में खाऊंगी। तो मेरे भाई ने रहम करके मुझे एक रोटी दे ही दी, तो अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी। और वैसे ही है बारिश का मौसम, तो ऑयली खाने का मज़ा ही कुछ और है। पकौड़े वकौड़े बनाता बॉबी, पर इसने पराठे बनाए ना, मतलब बनाए। तो चलो कोई बात नहीं, मम्मी मुझे भी दे चाय। मुझे भी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नहीं यार, हाँ फर्स्ट टाइम मैं चाय कम कम पीती हूँ। ये भयंकर हुआ यार, फर्स्ट टाइम। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो बॉबी आपके लिए पहले हम थैंक यू बोलते हैं, आपने हमारे पेट पूजन करा है।